Age number 21. Today we will discuss cross product of two vectors. Cross product of two vectors. ये vector quantity बनेगी, scalar product, scalar quantity बनती है. यानी इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी. लेट वी हैव द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. हाउ ए क्रॉस बी इज रिटन एज, हाउ ए क्रॉस बी इज, लेट इट इज सी एंड दिस इज ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर सी. Means C is representing cross product of A cross B. Here A and B are magnitudes of vector A and vector B. And unit vector C is a unit vector perpendicular to plane containing vector A and vector B. Its direction is given by two rules. One, right hand screw rule. It states that when a right-handed screw is placed, its axis perpendicular to plane of A and B, and if it is rotated from vector A to vector B via smaller angle, then direction of advance of tip gives direction of A cross B. Let these are the two vectors, vector A and vector B, and we want to calculate the direction of A cross B. What we will do, स्क्रू के लिए मैं इस पेन को यूज़ कर लेता हूँ और पेन को थोड़ा सा खोल लेता हूँ और इसके टिप के परपेंडिकुलर रखता हूँ. अब मैं मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ए से बी की तरफ रोटेट करूँगा और मैं देख रहा हूँ कि ये पेन खुल रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड. और इसी तरह से अगर मुझे B क्रॉस A की डायरेक्शन चाहिए, तो अगर मैं इसको B से A की तरफ रोटेट करूं, तो ये पेन बंद हो रहा है, यानी पेन अंदर जा रहा है, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इनवर्ड. तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं. एक और रूल है,
राइट हैंड थंब रूल, इफ वी ग्रिप आवर राइट हैंड सच दैट थंब इज इरेक्ट, इज इरेक्ट एंड इफ curvature of fingers is from vector A to vector B, then direction of thumb gives the direction of cross product of A and B, i.e. direction of A cross B. Remember, if A cross B is equal to C, then C is perpendicular to A and C is perpendicular to B. और हमें पता है कि अगर perpendicular vector होते हैं तो उनका dot product 0 होता है, तो C dot A is equal to 0 और C dot B is equal to 0. Geometrical interpretation of cross product. Geometrical interpretation of cross product. Let vector A and vector B represent two sides, adjacent sides of a parallelogram as shown in figure. ये फिगर हो गया हमारे पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ओ ए बी, और ये हो गया हमारे पास सी. थीटा बी एन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऑन ओ ए, तो बी एन की वैल्यू क्या हो गई, बी एन की वैल्यू हो गई ओ बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, और ये पैरेललोग्राम की हाइट है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाइड बाय बी एन. ओ ए क्या चीज है, ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी एन क्या चीज है, ओ बी साइन थीटा यानी बी साइन थीटा, तो ये क्या हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या हो गया हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है. इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो कि वेक्टर ए ने और वेक्टर बी ने बनाई है, ओ ए बी जो ट्राइंगल बनी है उसका एरिया किसके बराबर होगा, उसका एरिया होगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
ए क्रॉस बी। स्पेशल केसेस, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, मीन्स आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो, के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आई ई If A vector and B vector are perpendicular, then A cross B is equal to AB, unit vector n. Unit vector n जो होगा वो vector A और vector B दोनों के perpendicular होगा. For unit vectors I cross J इज इक्वल टू के, क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, हम सीरीज में चलेंगे आई से जे, ये हमारे पास आई, ये हमारे पास जे और बाहर की तरफ के। अब अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ तो आई से जे की तरफ अगर मेरी फिंगर्स जाती हैं, कहाँ से, आई से जे की तरफ मेरी फिंगर्स जाती हैं तो थंब बाहर की तरफ आता है और बाहर की तरफ के होता है। तो इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं J क्रॉस K इज इक्वल टू I एंड K क्रॉस I इज इक्वल टू J। आपका क्रॉस प्रोडक्ट M एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो I क्रॉस J अगर K है तो J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K, K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस आई एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। प्रॉपर्टीज एंटी कम्यूटेटिव है, एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव है, मीन्स ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। नाउ वी विल कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट in terms of Cartesian coordinates A cross B is equal to AXI plus AYJ plus AZK क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। जैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई किया था उसी तरह से करेंगे, पर ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास मैग्नीट्यूड रहता है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन भी रहेगी। आई डॉट आई की जगह यहाँ पर आई क्रॉस आई इस तरह से लिखा जाएगा। तो ए एक्स आई से बी एक्स आई को क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, AXI क्रॉस I प्लस AXBY I क्रॉस J
प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। यहां से हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन क्या आई, अब हम ए वाई जे से मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, पहले जो है वो लिखा जाएगा, जैसे जे पहले है तो जे पहले लिखा जाएगा, ए वाई बी जेड बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड जे क्रॉस के प्लस अब ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के क्या आया फिर हमारे पास, ये ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई हमने क्या लिखा था, जीरो, तो आई क्रॉस आई जीरो हो गया, प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे हमने क्या लिखा था, के, तो के हो गया, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे। प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के, ए वाई बी एक्स माइनस के प्लस ए वाई बी वाई जीरो प्लस ए वाई बी जेड, ये हमारे पास जे क्रॉस के है आई आएगा, प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई प्लस ए जेड बी जेड इंटू जीरो। तो क्या हो गया हमारे पास, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, आई के दो टर्म्स होंगी, एक ये हो गई एक ये हो गई, तो आई कॉमन ले करके लिख देते हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस जे की दो टर्म होंगी, एक प्लस की एक माइनस की, ए जेड ये री बी एक्स और माइनस की ये री, ए माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस के की भी दो टर्म होंगी, एक प्लस की एक माइनस की, एक ये री ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। ये हमारे पास फार्मूला आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का, जो कि थोड़ा सा टफ महसूस होता है लर्न करने में, इसलिए हम इस फार्मूले को यूटिलाइज नहीं करेंगे, इस फार्मूले की जगह एक और फार्मूला हम निकाल करके लेके आते हैं और वो आपका फिर बड़ा आसान सा फार्मूला हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर हमारे पास इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के विल बी जीरो एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम निकाल करके चलेंगे तो हमारे पास ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड, ये बराबर होंगे। एंटी पैरेलल के लिए ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड, ये नेगेटिव आएगा और ये आएगा पॉजिटिव।
क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट, लेट ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे बेटा डिटर्मिनेंट से। कैसे लिखेंगे? ये डिटर्मिनेंट होता है ऐसे, ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे आई जे के, फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के टर्म्स लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, और फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। अब ये क्या आया, किस तरह से सॉल्व करते हैं? फर्स्ट टर्म क्या है? आई, आई लिखा और छोटा डिटरमिनेंट बनाया, आई की रो छोड़ी, आई का कॉलम छोड़ा। क्या किया हमने? आई की रो छोड़ दी, आई का कॉलम छोड़ दिया। क्या बच गया हमारे पास? ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, फिर दूसरी टर्म के साथ माइनस। दूसरी टर्म के साथ हमने माइनस लगाना है। अब क्या करना है हमें? जे की रो छोड़नी है, जे का कॉलम छोड़ना है। जे की रो छोड़नी है, जे का कॉलम छोड़ना है। तो क्या बच गया हमारे पास? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, फिर तीसरा, फिर प्लस। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है के। क्या हुआ हमारे पास? अब के की रो छोड़नी है, के का कॉलम छोड़ना है। के की रो छोड़नी है, के का कॉलम छोड़ना है। क्या आ गया हमारे पास? ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? ए वाई ए बी जेड, और फिर माइनस करके ए जेड बी वाई माइनस जे। यहां पर आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे और फिर ऐसे। क्या हुआ? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, पहले ऐसे और फिर ऐसे, प्लस के। कैसे करना है? ए एक्स बी वाई और फिर ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरह से हमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के है, और वेक्टर बी है वो आई माइनस जे प्लस के है। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है हमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इसकी इनकी किस तरह से निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, तो सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर जे, फिर के, फिर क्या लिखेंगे? ए के लिए कोफिशंट्स, आई का कोफिशंट टू है, जे का कोफिशंट माइनस थ्री है, के का कोफिशंट फोर है। बी में आई का कोफिशंट वन है, जे का कोफिशंट माइनस वन है, के का कोफिशंट वन है। अब कैसे लिखें इसको? यहाँ लिख देते हैं आई पहले लिखा और फिर क्या लिखूँ मैं?
डिटरमिनेंट बनाऊं छोटा, आई की रो छोड़ दी, आई का कॉलम छोड़ दिया, माइनस थ्री फोर और माइनस वन वन, फिर माइनस जे, फिर क्या किया, जे की रो छोड़ी, जे का कॉलम छोड़ा, टू फोर वन वन, फिर प्लस के, के का रो छोड़ी, के का कॉलम छोड़ा, टू माइनस थ्री और वन माइनस वन। अब क्या आया हमारे पास, आई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री, माइनस ऑफ, फोर को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस फोर। फिर देख लो, माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री, माइनस फोर को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस फोर, माइनस जे। टू को वन से मल्टीप्लाई किया, टू, माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई किया, फोर, प्लस के। टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री। तो क्या आ गया ये हमारे पास, आई, माइनस थ्री प्लस फोर माइनस जे, टू माइनस फोर प्लस के, माइनस टू प्लस थ्री। तो कितना आ गया ये हमारे पास, आई आ गया यहाँ से, और यहाँ से प्लस टू जे आ गया, और यहाँ से प्लस के आ गया। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू हो गई। और एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जाम्पल फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ टू साइड्स आर, टू साइड्स आर वेक्टर ए इज इक्वल टू फोर आई प्लस थ्री जे एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू थ्री आई प्लस सिक्स जे। तो हमारे पास क्या होता है, पहले निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी उसी तरह से आई जे के। अब i का कोफिशियंट a के लिए 4, j का कोफिशियंट 3, k का कोफिशियंट 0, 3, 6, 0। तो क्या हो गया ये अब हमारे पास, i डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, i की रो छोड़ी, i का कॉलम छोड़ा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आ गया। प्लस सेकेंड टर्म माइनस, माइनस j, जे की रो छोड़ी, जे का कॉलम छोड़ा, जे का रो छोड़ा, जे का कॉलम छोड़ा, ये भी जीरो आ गया। प्लस के, क्या आ गया हमारे पास, के की रो छोड़ी, के का कॉलम छोड़ा, फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई किया, 24, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया, 9। तो ये आ गया मेरे पास जीरो आई माइनस जीरो जे प्लस 15 15 के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, मीनिंग 15 स्क्वायर यूनिट्स।
एग्जाम्पल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस जे प्लस फाइव के एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इज इक्वल टू सेवन आई प्लस थ्री जे प्लस के. क्या हुआ हमारे पास? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. निकाल लेते हैं आई जे के. अब आर क्रॉस एफ निकालना है तो पहले आर लिखेंगे, सेवन थ्री वन, फिर एफ लिखेंगे, माइनस थ्री वन फाइव. किसके बराबर आ गया? पहले आई, क्या करूं, आई की रो छोड़ी, आई का कॉलम छोड़ा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन माइनस वन, फिफ्टीन माइनस वन माइनस जे, जे की रो छोड़ी, जे का कॉलम छोड़ा, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, वन माइनस थ्री थर्टी फाइव प्लस थ्री थर्टी एट, प्लस के, के की रो छोड़ी, के का कॉलम छोड़ा, सेवन वन जा सेवन, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिक्सटीन. तो ये हो गया हमारे पास फोर्टीन आई प्लस माइनस थर्टी एट जे प्लस सिक्सटीन के. तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क किसके बराबर आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आ गया हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 38 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट. दैट इज इक्वल टू 43.54 के आसपास आ जाएगा. एग्जाम्पल फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए टू आई प्लस जे माइनस के एंड बी इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस टू के. एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो. लेट सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. और हमें पता है कि जो सी वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर आएगा और बी भी के भी परपेंडिकुलर आएगा. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? सी यूनिट वेक्टर इज व्हाट? तो इसके लिए हम पहले क्या निकाल लेते हैं? सी वेक्टर निकाल लेते हैं. क्या चीज है हमारे पास? ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी किसके बराबर है? मैट्रिक डिटरमिनेंट लगाएंगे आई जे के. ए क्रॉस बी निकालना है, पहले ए टू वन माइनस वन 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 टू. तो क्या हो गया हमारे पास? ये पहले आई, आई की रो छोड़ी, आई का कॉलम छोड़ा, आई की रो छोड़ी, टू वन जा टू माइनस माइनस प्लस. तो ये हो जाएगा हमारे पास टू प्लस वन माइनस जे, जे की रो छोड़ी, जे का कॉलम छोड़ा, टू टू जा फोर प्लस वन, फोर प्लस वन प्लस के, के की रो छोड़ी, के का कॉलम छोड़ा, टू वन जा टू माइनस वन. तो सी वेक्टर आ गया हमारे पास, सी वेक्टर आ गया हमारे पास थ्री आई
माइनस फाइव जे प्लस के। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास यूनिट वेक्टर सी आ गया, कंप्लीट वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो कितना आ गया ये, थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर माइनस फाइव स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारे पास थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस के डिवाइडेड बाई नाइन थर्टी फोर थर्टी फाइव स्क्वेयर रूट ऑफ थर्टी फाइव। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एग्जांपल। एजेस ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड आर ए इज इक्वल टू टू आई माइनस थ्री जे प्लस के, बी इज इक्वल टू आई प्लस के, सी इज इक्वल टू टू आई माइनस जे। फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। और ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा ए एक्स ए वाई ए जेड, आई जे के की जगह क्या आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स डी वाई बी जेड और फिर सी एक्स सी वाई सी जेड। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया ए एक्स टू माइनस थ्री वन, टू माइनस थ्री वन, बी आई आई वन, जे नहीं है यहाँ पर जीरो लिखेंगे, के वन और सी के लिए टू माइनस वन और के नहीं है यहाँ पर जीरो। तो क्या सॉल्यूशन होगा, उसी तरह से पहली टर्म टू टू बाहर लिखेंगे ब्रैकेट में, टू की रो छोड़ेंगे टू का कॉलम छोड़ेंगे, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस वन। प्लस प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस थ्री है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरी टर्म के साथ नेगेटिव होता है थ्री, थ्री की रो छोड़ेंगे थ्री का कॉलम छोड़ेंगे, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और माइनस टू प्लस वन, वन की रो छोड़ेंगे वन का कॉलम छोड़ेंगे, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन और जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। तो ये आ गया हमारे पास टू माइनस सिक्स माइनस वन दैट इज फोर माइनस फोर। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम फोर यूनिट्स।